हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम अपने क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के एनसीईआरटी क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक है, हमने इस चैप्टर को अब तक पढ़ लिया है। आप लोगों को अगर कोई डाउट हो देन प्लीज़ आप बता सकते हैं। आई विल श्योरली सॉर्ट इट आउट। एंड इस वीडियो में हम इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम करेंगे इसके इंटेक्स क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्टेड विद 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, कोई रिएक्शन हो रही है जिसमें 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट 6 ग्राम एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। ओके, द प्रोडक्ट्स वर 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 0.9 ग्राम वाटर एंड 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम एसिटेट। क्या क्या हमें मिलता है? 2.2 ग्राम CO2 मिलेगी, 0.9 ग्राम वाटर मिलेगा एंड 8.2 ग्राम सोडियम एसिटेट मिलेगा। ठीक है, शो दैट दीज ऑब्जर्वेशन आर इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमें बताना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को कैसे फॉलो करता है। ठीक है, देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता क्या है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि जो मास हमारा रिएक्टेंट का होगा वही मास हमारा प्रोडक्ट का होगा। तो पहले लिख लेते हैं हम रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन में क्या है, सोडियम कार्बोनेट है एक, तो हमारा सोडियम कार्बोनेट किसके साथ रिएक्ट करता है, एसिटिक एसिड के साथ। ठीक है, एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, सोडियम एसिटेट, सोडियम एसिटेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, ये हो गए हमारे प्रोडक्ट्स। अब इनका वो भी लिखा हुआ है कि कितने कितने ग्राम्स है। सोडियम कार्बोनेट लिया था हमने 5.3 ग्राम, एसिटिक एसिड लिया था हमने 6 ग्राम, सोडियम एसिटेट बना 8.2 ग्राम। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बना 2.2 ग्राम एंड वाटर बना हमारा 0.9 ग्राम। ठीक है, हमें क्या करना है, दोनों साइड क्या करना है, दोनों साइड के मास को हमें चेक करना है। ठीक है, हम लिख सकते हैं इधर, हम इधर का जो बोला है इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, पहले हम वो भी लिख देते हैं। ठीक है, एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द टोटल मास, जो टोटल मास होगा हमारा रिएक्टेंट्स का, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स किसका, किसके इक्वल होगा, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसे समझ में, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ये होगा हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की डेफिनेशन। ठीक है, इस रिएक्शन में देखो 5.3 ग्राम प्लस 6 ग्राम कितना हो जाएगा, 11.3 ग्राम। इस साइड भी जब इन तीनों को टोटल करेंगे तो इस साइड भी कितना आ जाएगा, 11.3 ग्राम। ठीक है, LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर टू। देखिए, सी, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कम्बाइन इन द रेशियो ऑफ 1:8 बाय मास टू फॉर्म वाटर। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 के रेशियो में जुड़ते हैं पानी बनाने के लिए। व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विथ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। मतलब 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ कितना हमें ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, ताकि हम पानी बना पाएँ। ठीक है, ये एक रेशियो बता दिया इसने, 1:8। ठीक है, अगर हम एक गैस 1 लेंगे तो दूसरी हमें 8 लेनी पड़ेगी। मतलब अगर हम हाइड्रोजन 1 ले रहे हैं तो ऑक्सीजन 8 लेंगे। ठीक है, 1 ग्राम 8 ग्राम। अगले में इसने बोल दिया हाइड्रोजन तो 3 ले ली तो ऑक्सीजन कितनी लेंगे, ऑक्सीजन भी इसकी 3 गुना हो जाएगी, 8 × 3 = 24। तो ऑक्सीजन कितनी लेंगे हम, 24 ग्राम। तो इसका आंसर हम लिख देंगे, आंसर नंबर टू। ठीक है, पहले लिखेंगे वी नो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रेशियो कितना है, 1:8। ठीक है, ये है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो। ओके, सो 43 ग्राम हाइड्रोजन
ऑक्सीजन रिक्वायर्ड विल बी, ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड होगा, 3 into 8, ठीक है। अगर जो ये 1 से 3 हो गया तो ये भी 8 into 3 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा 24 ग्राम, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर, ईजी है ना, कोई डाउट तो नहीं है ना। देखो 1:8 में लिया हमने हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो, अगर हाइड्रोजन 1 है तो ऑक्सीजन 8 होगी, ठीक है, मतलब हमेशा उसके 8 गुना होगी। तो अगर हाइड्रोजन 3 है तो ऑक्सीजन उसके 8 गुना होगी, 3 का 8 गुना कितना होगा, 24, ठीक है। हो गया आंसर नंबर 2। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए, विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज द रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो जब आपको चैप्टर पढ़ाया था, डाल्टन के पोस्टुलेट्स आपको बहुत अच्छे से समझाए थे, ठीक है, उसने 6 पोस्टुलेट्स दिए थे। अब ये पूछ रहा है डाल्टन के कौन सा पोस्टुलेट जो है जो हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में बताता है। देखो डाल्टन ने क्या क्या बताया था, देखो डाल्टन ने बहुत सारे पोस्टुलेट बताए थे, जिसमें से जौन सा पोस्टुलेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बताता है वो ये है। देखो द रिलेटिव नंबर एंड टाइप ऑफ एटम आर कॉन्स्टेंट इन अ गिवन कॉम्पोजिशन, मतलब कि कोई भी रिएक्शन जब हम करवाते हैं तो देखो एक जैसे कि ये जो हमने भी पढ़ा ना 1:8 वाला एग्जांपल, इसी से देखो कनेक्ट करके देखो इसको, मतलब अगर कोई गैस एक ले रहे हैं तो दूसरे उसके 8 गुना लेंगे, मतलब कि जैसे कोई रिएक्शन हुई, ठीक है, तो उसका रिलेटिव नंबर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मतलब 1:8 है तो हमेशा 8 गुना ही रहेगा, चाहे एक का 10 हो जाए तो 80 हो जाएगा, समझ में आया, रिलेटिव नंबर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। दूसरी चीज़ क्या बोली, टाइप ऑफ एटम, कि पानी बनाने के लिए मान लो हाइड्रोजन ऑक्सीजन चाहिए तो हमेशा टाइप ऑफ एटम सेम ही रहेंगे, ठीक है, ये बोला डाल्टन ने, ठीक है। ये किस पे बेस्ड था, इट वॉज बेस्ड ऑन द रूल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो देखो इसका आंसर लिखते हैं, आंसर नंबर 3, द रिलेटिव नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम्स types of atoms are constant in a given composition, okay, this was based on law of conservation of mass, ओके, जो हो गया आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन, विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को कौन सा वाला पोस्टुलेट है वो फॉलो करेगा। देखो हमने इधर दो लॉ पढ़े हैं, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, दोनों ही को कंबाइनली क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है, और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को डाल्टन का एक ही पोस्टुलेट जो है फॉलो करता है वो ये है, रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर इक्वल इन गिवन कंपाउंड, ठीक है, मतलब जो हमें अभी पढ़ा ना कि किसी भी रिएक्शन के टाइम पे जो रिलेटिव नंबर होगा और टाइप्स ऑफ एटम्स होंगे वो हमेशा इक्वल होंगे, यही वाला जो पोस्टुलेट है वो हमारे ये जो सेकेंड वाला लॉ है इसको भी फॉलो करता है, ठीक है। तो सेम आप आंसर लिख सकते हो इसमें भी, द रिलेटिव नंबर एंड टाइप ऑफ एटम आर कॉन्स्टेंट इन गिवन कंपोजिशन, दिस वॉज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है, सेम आंसर हो जाएगा इसका भी। नेक्स्ट देखिए, इधर है देखो, डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट, ये है क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 30 पे है, डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट। देखो जब हमने ये चैप्टर पढ़ा था इसकी मैंने डेफिनेशन आपको बहुत बार बताई थी, वो AMU की डेफिनेशन जब इस चैप्टर में पढ़ाया था बहुत बार बताई थी, ठीक है। AMU की डेफिनेशन क्या होती है, 1 एटॉमिक मास यूनिट एक ऐसी यूनिट होती है जिसको वेट मतलब एटम्स और मॉलिक्यूल्स के वेट करने के लिए एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है, जहाँ पे एक एटॉमिक मास किसके इक्वल होता है, 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम, ठीक है। इसको देखो लिखते हैं हम, एन एटॉमिक मास यूनिट
is a unit of mass equal to express the weights of atom and molecules where 1 amu is equal to 1/12 the mass of 1 carbon atom. देखो ये डेफिनेशन मे भी आपको थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग सकती है, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, देखो आपको सिर्फ इतना चीज़ इंपॉर्टेंटली याद रखनी है, 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ 1 कार्बन एटम. या फिर देखो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 AMU इक्वल टू 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम. ठीक है, ओके. सो और कार्बन एटम कार्बन 12 C12. ठीक है, ये हो गया आंसर नंबर फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम विद नेक्ड आइज. हम अपने नेक्ड आइज से एटम्स को क्यों नहीं देख पाते हैं. ठीक है, क्यों नहीं देख पाते, क्योंकि उनका साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता है. ठीक है, देखो जो एटम्स होते हैं नैनोमीटर्स में उनका साइज़ होता है, बड़ा है ना आपने, तो नोबल गैसेस के अलावा हम उन्हें नहीं देख सकते. मतलब नोबल्स गैसेस के एटम्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, अकेले एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, आंसर नंबर सेकंड, एटम्स आर मेजर्ड इन नैनोमीटर्स. ठीक है, एक रीज़न तो हो गया ये, दूसरा रीज़न क्या होगा, एक्सेप्ट फॉर एटम्स ऑफ नोबल गैस दे डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. ठीक है, इसलिए हम उनको नहीं देख सकते. इसके दो कारण हैं. ठीक है, एक तो वो नैनोमीटर्स में होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, दूसरा वो नोबल गैसेस के अलावा जो एटम्स हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं. ठीक है, ये तो गए हमारे दूसरे क्वेश्चंस. अब देखो नेक्स्ट जो हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस है वो ये हैं, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ, देखो हमें इनके फॉर्मूला लिखने हैं. फर्स्ट है हमारा सोडियम ऑक्साइड, आंसर नंबर फर्स्ट सोडियम ऑक्साइड. ठीक है, देखो सोडियम ऑक्साइड, सोडियम की होती है ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की होती है 2. क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो फॉर्मूला आ जाएगा Na2O. ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा, Na2O. दूसरा क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl. ठीक है, एल्यूमिनियम की होती है 3, क्लोरीन की होती है 1, दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे AlCl3. ठीक है, थर्ड वन इज सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट. ठीक है, सोडियम की क्या होती है 1, सल्फेट की कितनी होती है 2, करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई Na2S. ओके, लास्ट वन इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH, Mg की होती है 2, OH हाइड्रोक्साइड की होती है 1, तो आ जाएगा MgOH ट्वाइस. ठीक है, ये हो गया आंसर नंबर फर्स्ट. दूसरा क्वेश्चन देखिए, राइट डाउन द नेम्स ऑफ कंपाउंड्स रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूले. इधर फार्मूले दिए, हमें नाम बताना है. देखो फर्स्ट क्या है, एल्यूमिनियम SO4 किसको बोलते हैं, सल्फेट को बोलते हैं. ठीक है, तो हो गया एल्यूमिनियम सल्फेट. नेक्स्ट इज कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, पोटेशियम सल्फेट, SO4 इज सल्फेट, NO3 इज नाइट्रेट, Cl2 इज क्लोराइड, CO3 इज कार्बोनेट. ठीक है, देखो KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट. हम इसका आंसर लिख देते हैं, आंसर नंबर 2. फर्स्ट वन इज एल्यूमिनियम सल्फेट, सेकंड इज
कैल्शियम क्लोराइड. थर्ड इज पोटाशियम सल्फेट. फोर्थ पोटाशियम नाइट्रेट KNO3. एंड फिफ्थ लास्ट क्या है हमारे पास, कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है, कोई डाउट? ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज मीन बाय द टर्म केमिकल फॉर्मूला. केमिकल फार्मूला के अंदर डेफिनेशन बताने, केमिकल फार्मूला क्या होता है, केमिकल फार्मूला को यूज़ किया जाता है कि किस किस टाइप के एटम से वो कंपाउंड बना है. ठीक है, केमिकल फार्मूला यूज टू डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ एटम एंड देयर नंबर्स, कि कितने नंबर्स में है इन अ कंपाउंड या फिर किसी एलिमेंट में. ठीक है, हर एक एलिमेंट के जो एटम हैं उसके अंदर एक या दो लेटर होते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम इसके अंदर दो लेटर है. ठीक है, तो ये हो गया इसकी जो एक और डेफिनेशन आप बोल सकते हो, अ कलेक्शन ऑफ केमिकल सिंबल्स. केमिकल सिंबल्स का एक ऐसा कलेक्शन दैट डिपिक्ट्स दैट शोज द एलिमेंट्स दैट मेक अप द कंपाउंड एदर क्वांटिटीज. ठीक है, तो देखो इसका आंसर, आंसर नंबर 3, केमिकल फॉर्मूला आर यूज्ड टू डिस्क्राइब the different types of atoms and their numbers in a compound. ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, या फिर a collection of chemical symbols, chemical symbols that depicts the elements that make up a compound. एक आप इसका एग्जांपल भी लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल आप कुछ भी लिख सकते हो, केमिकल फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4. ठीक है, इस तरीके से. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन अ H2S मॉलिक्यूल एंड PO43 नेगेटिव आयन. ठीक है, देखो दो है हमारे पास, एक तो क्या है आंसर नंबर 4, फर्स्ट है H2S का मॉलिक्यूल, इसके अंदर कितने एटम है हमें बताना है. देखो इसके अंदर दो एटम तो हाइड्रोजन के, एक एटम है इसमें सल्फर का, तो टोटल कितने एटम हो गए, 3 एटम्स. ठीक है, दूसरा है PO43 नेगेटिव आयन. ठीक है, इसके अंदर देखो एक एटम है फॉस्फोरस का, 4 एटम है ऑक्सीजन के, तो टोटल कितना हो गया, 5 एटम्स. ठीक है, तो ये हो गया हमारे ये वाले क्वेश्चन. इसके बाद है पेज नंबर 35 पर. ठीक है, देखो इधर कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं, हमें उनका मॉलिकुलर मास कैलकुलेट करना है. ठीक है, जैसे कि H2O2Cl2 इस तरीके से. ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारे पास H2 का मास हम कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, देखो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले लिखेंगे जितने एटम्स हैं मल्टीप्लाई एक एटम का मास. ठीक है, एक का होता है एक, तो आ जाएगा 2U. तो H2 का मास कितना हो गया, 2 यूनिट. दूसरा है O2 के पास कितने एटम्स है, 2, और एक एटम का मास होता है 16, तो हो जाएगा 32 यूनिट. थर्ड इज Cl2 क्लोरीन. देखो दो एटम्स है, एक क्लोरीन का मास होता है 35.5, तो ये हो जाएगा 71 यूनिट. इसके बाद है CO2. देखो एक एटम तो है कार्बन का, दो एटम है ऑक्सीजन का, तो 1 × 12 + 2 × 16
टोटल आ जाएगा 44 यूनिट। नेक्स्ट है CH4 मीथेन, एक एटम है कार्बन का 1 × 12 प्लस 4 एटम है हाइड्रोजन के, तो टोटल आ जाएंगे हमारे पास 16 यूनिट। नेक्स्ट है C2H6, इधर देखो दो एटम है कार्बन के प्लस 6 एटम है हाइड्रोजन के, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 30 यूनिट। ठीक है, इसके बाद है C2H4, इसमें है दो एटम कार्बन के प्लस 4 एटम हाइड्रोजन के, तो ये हो जाएंगे कितने 28 यूनिट। ओके, इसके बाद हमारे पास NH3 अमोनिया, एक एटम तो है नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14 प्लस 3 एटम है हाइड्रोजन के, तो ये हो जाएगा 17 यूनिट। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास CH3OH, देखो एक एटम कार्बन का 12 प्लस 3 एटम हाइड्रोजन का 3 × 1 प्लस एक एटम ऑक्सीजन का 1 × 16 प्लस एक और हाइड्रोजन 1 × 1, ये आ जाएगा टोटल 32 यूनिट। ठीक है, कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास, इनके भी हमें मास ही बताने हैं। ठीक है, इसमें दिया भी है जिंक का देखो 65 यूनिट है, सोडियम का 23 यूनिट है, पोटेशियम का 39, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16। ठीक है, तो आंसर नंबर 2 देख लो, पहला निकालना है हमें ZnO का। ठीक है, ZnO का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे 1 × जिंक का जो कितना है 65 प्लस 1 × ऑक्सीजन का जो कितना है 16, टोटल आ गया 81 यूनिट। इसके बाद है Na2O, 2 × सोडियम का 23 प्लस 1 × ऑक्सीजन का 16, ये कितना हो गया हमारे पास 62 यूनिट। इसके बाद है K2CO3, 2 × पोटेशियम का कितना है 39 प्लस 1 × कार्बन का 12 प्लस 3 × ऑक्सीजन का 16, जो कि कितना आ गया 138 यूनिट। ठीक है, कोई डाउट आप लोग को सब समझ में आया ना? इस तरीके से हम इनके मॉलिकुलर मास या फिर एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने डायरेक्टली NCERT क्वेश्चंस पे। ठीक है, NCERT क्वेश्चन से हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, 0.2 ग्राम सैंपल ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरोन वाज फाउंड बाय एनालिसिस टू कंटेन 0.096 ग्राम ऑफ बोरोन एंड 0.144 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड बाय वेट। देखो हमारे पास सैंपल का क्या है, वेट है कितना, ये 0.24 ग्राम। ठीक है, अब देखो इस सैंपल के अंदर क्या क्या है, ऑक्सीजन है बोरोन है, ठीक ऑक्सीजन और बोरोन का है, ऑक्सीजन का कितना दे दिया इसने 0.096, बोरोन का 0.096 और ऑक्सीजन का 0.144। ठीक है, ये टोटल सैंपल का है, ये इन दोनों का है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका हमें परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है बाय कंपाउंड बाय वेट। देखो कैसे निकालेंगे, पहले लिखेंगे इधर NCERT एक्सरसाइज क्वेश्चन, ठीक है देखो स्टार्ट करते हैं अपना आंसर नंबर फर्स्ट। पहले लिखेंगे गिवन क्या क्या है हमारे पास, गिवन क्या क्या है, मास ऑफ सैंपल जो कि कितना है 0.24 ग्राम, इसके बाद हमारे पास मास ऑफ बोरोन जो कि कितना है 0.096 ग्राम, थर्ड इज मास ऑफ ऑक्सीजन जो कि कितना है 0.144 ग्राम। ठीक है, अगर हमें परसेंटेज निकालना है, हमें देखो मास दिया है तो मास की फॉर्म में निकलेगा परसेंटेज, परसेंटेज का फॉर्मूला देखो क्या पढ़ा है हमने, मास ऑफ किसके किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड बाय वेट, इधर कंपाउंड क्या है बोरोन अपॉन टोटल मास ऑफ, नीचे क्या लेंगे हम जो पूरा है टोटल जो है, ठीक है सैंपल × 100, बोरोन का कितना है 0.096 अपॉन टोटल है 0.24 × 100। ठीक है, ये तो कितना आ जाएगा 40%, ये किसका आया हमारे बोरोन का आया, अब परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन वो कितना आ जाएगा 60%, ये 40 है तो वो कितना होगा 60%। ठीक है, ये हो गया हमारे आंसर नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देख लो,
सेकेंड क्वेश्चन, व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बॉन्ड इन 8 ग्राम ऑक्सीजन 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस। देखो 3 ग्राम कार्बन जब 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जलती है तो 11 ग्राम CO2 बनता है, ठीक है। व्हाट मास ऑफ CO2 विल बी फॉर्म व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बॉन्ड विद 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। 3 ग्राम कार्बन जब 50 ग्राम ऑक्सीजन में जलेगी तो कितना हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। और कौन सा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन इधर फॉलो होगा, देखो आंसर नंबर 2, 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जब जलता है तो क्या बनाता है, 11 ग्राम CO2, ठीक है। इसका मतलब एक चीज़ पता चल गई कि देखो 8 ग्राम अगर हमें ऑक्सीजन जलाना है तो 3 ग्राम कार्बन चाहिए, ठीक। ये तो हमें पता चल गया 11 ग्राम CO2 बनाने के लिए। अब हमें पता करना है कि 3 ग्राम कार्बन है हमारे पास, 50 ग्राम ऑक्सीजन हमारे पास, CO2 कितनी होगी। देखो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, देखो पहले लिखेंगे C+O2 विल फॉर्म CO2, ठीक है। 3 ग्राम कार्बन, 8 ग्राम ऑक्सीजन, 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इतने में किसी को डाउट तो नहीं है ना, 3 ग्राम प्लस 8 ग्राम 11 ग्राम, ठीक। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, कौन सा आ गया लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। एक पार्ट का तो आंसर आ गया इधर ही, ठीक है। इधर से एक चीज़ पता चलती है कि ये जो मास है ये इसके इक्वल ही होना चाहिए, मतलब 3 ग्राम जो है अगर हम इधर 50 ग्राम भी ले लेंगे तो भी हमें जो ये CO2 मिलेगा ये 11 ग्राम ही मिलेगा, क्योंकि 3 ग्राम कार्बन सिर्फ 8 ग्राम ऑक्सीजन को ही जला सकती है, बाकी की ऑक्सीजन आप रखे रहें तो क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ काम की नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ये इसको हम बढ़ाएंगे तो ये काम का होगा, तो इसका रेशो बढ़ सकता है। अगर इसको बढ़ा रहे इसको नहीं बढ़ा रहे कोई फ़ायदा ही नहीं है, मतलब ये फिक्स रेशियो है 3:8, अगर ये 3 है तो 8 ही होना चाहिए। अगर आप इसको 1000 कर दो, इसको नहीं बढ़ा रहे तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा उतना ही मिलेगा जब इसको 8 रखा था, समझ में आया। अगर ये 3 है ये 8 है, मिल रहा है हमें 11, इसको हमने कर दिया 4, मतलब सॉरी इसको हमने कर दिया डबल 6, इसको भी कर दिया हमने डबल 16, तो हमें कुछ अलग मिलेगी, डिफरेंट मिलेगी कुछ। लेकिन अगर आपने इसको तो कर दिया 16, ये कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, तो क्या होगा, कुछ मतलब ही नहीं है। इसका मतलब जो 8 ग्राम ऑक्सीजन है सिर्फ वही रिएक्ट करेगी, बाकी की जो 42 ग्राम ऑक्सीजन है विल रिमेन अनरिएक्टेड, या फिर आप बोल सकते हो अनरिएक्टिव। इधर देखो एक फिक्स रेशियो है तो लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन भी फॉलो कर रहा है, ठीक है। कोई डाउट समझ में आया ना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 3, वॉट आर पोलीएटॉमिक आयन, गिव एग्जाम्पल। पोलीएटॉमिक आयन क्या होते हैं, एग्जाम्पल बताना है। देखो नाम से ही पता चल रहा है पोलीएटॉमिक आयन क्या होता है। पोलीएटॉमिक आयन वो आयन होते हैं विच कंटेन मोर देन 1 एटम, आंसर नंबर 3। पोलीएटॉमिक आयन्स आर आयन्स that contain more than 1 atom, एक एटम से ज़्यादा जहाँ पे होते हैं, एक एटम से ज़्यादा जहाँ पे आयन्स होते हैं वो होते हैं पोलीएटॉमिक आयन्स, ठीक है। बट दे बिहेव, लेकिन ये कैसे काम करते हैं, एज अ सिंगल यूनिट, ठीक है, एज अ सिंगल यूनिट काम करते हैं। एग्जांपल आप इसका ले सकते हो CO3 2-, इसके अंदर देखो कार्बन है, ऑक्सीजन के 3-4 एटम है। नेक्स्ट ले सकते हो आप H2PO 4-, इसमें 2 इसका, 1 इसका, 4 इसका, 7 एटम है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पोलीएटॉमिक आयन्स की डेफिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। इधर कुछ नाम दिए हैं, हमें उनके केमिकल फॉर्मूले बताने हैं। तो देखो फर्स्ट हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। आप देखो इनके साथ साथ ही लिख देते हैं हम आंसर नंबर 4। फर्स्ट वन इज़ मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम MgCl, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 2, क्लोरीन की होती है 1, करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई आ जाएगा MgCl2। दूसरा क्या है हमारे पास, कैल्शियम ऑक्साइड। देखो कैल्शियम ऑक्साइड कैसे निकालेंगे, कैल्शियम की होती है 2,
ऑक्सीजन की भी होती है, टू कैंसिल हो जाएगा, वन वन, ठीक है। अगर दोनों की सेम सेम होती है तो कैंसिल भी हो जाती है, ठीक है, सी ए ओ। नेक्स्ट इज कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट सी यू एन ओ थ्री। कॉपर की ऑक्सीजन स्टेट होती है टू, नाइट्रेट की होती है वन, तो ये हो जाएगा सी यू एन ओ थ्री ट्वाइस, ठीक है। कोई डाउट, सब समझ आ रहा है ना। नेक्स्ट देख लो, अगला है एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम की होती है थ्री, क्लोरीन की होती है वन, तो आ जाएगा AlCl थ्री। नेक्स्ट है इसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम CO3, कैल्शियम की होती है हमारे पास टू, कार्बोनेट की भी होती है टू, दोनों कैंसिल हो जाएगी, आ जाएगा वन वन से करेंगे तो CaCO3, ठीक है, ये हो जाएंगे हमारे फॉर्मूले CaCO3, पांचों के फॉर्मूले। अगला है कि द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स, इधर कुछ कंपाउंड दिए हैं, हमें उनके नाम बताने हैं, ठीक है, इसके अंदर इसका नाम क्या है हमें ये लिखना है, ठीक है। आंसर नंबर फिफ्थ, पहला क्या दिया हुआ है हमारा क्विक लाइम, पहला क्या है हमारा क्विक लाइम, क्विक लाइम को क्या बोलते हैं, क्विक लाइम के अंदर क्या कंपाउंड होता है CaO, ठीक है। दूसरा है हमारे पास हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr। थर्ड वन इज़ बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर ये आपने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में, ठीक है। देखो आप इसका बोल सकते हो आप NaHCO3, इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, बेकिंग पाउडर याद रखना, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट इज पोटेशियम सल्फेट, K2SO4, ठीक है, K2SO4, ये हो गया आंसर नंबर फिफ्थ। इसके बाद इधर लास्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस, इधर कुछ चीज़ें हैं जैसे कि C2H2S8, ठीक है, P4HClHNO3, हमें इनका मोलर मास बताना है, ठीक है। देखो फर्स्ट है हमारे पास C2H2 वन इंटू कार्बन का कितना है 12 प्लस सॉरी 2 है ना, दो कार्बन है, प्लस 2 इंटू हाइड्रोजन का है 1, तो टोटल आएगा 26 ग्राम, ठीक है। दूसरा है हमारे पास S8, 8 इंटू सल्फर का मास जो कि होता है 256 ग्राम, ठीक है। थर्ड पूछा है इसने फॉस्फोरस का, P4, चार एटम है फॉस्फोरस के, एक का होता है मास हमारा 31, तो टोटल हो जाएगा 124 ग्राम, ठीक है। इसके बाद है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, 1 इंटू हाइड्रोजन का 1 प्लस 1 इंटू क्लोरीन का 35.5, तो हो जाएगा 36.5 ग्राम, ओके। इसके बाद है नाइट्रिक एसिड HNO3, 1 इंटू हाइड्रोजन का 1 प्लस 1 इंटू नाइट्रोजन का 14 प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन का 16, हो जाएगा 63 ग्राम, ठीक है। इस तरीके से आप मोलर मास निकाल लेंगे। यहाँ पे NCERT क्वेश्चन से ख़त्म होते हैं, इस चैप्टर में इतने ही क्वेश्चन से। देखो पहले इस चैप्टर में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था मोल कंसेप्ट, ठीक है, जिसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते थे, लेकिन अब वो आपके सिलेबस से काट दिया गया है, ठीक है। तो अभी आपके इतने क्वेश्चन से ये जो टॉपिक पहले कटा था उसकी उससे पहले आपके इस चैप्टर में 11 क्वेश्चन होते थे, अब 6 ही बचे हैं, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, समझिए, कुछ समझ नहीं आता तो बता दीजिए, आई विल मेक दैट ईजी फॉर यू, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। सो टिल देन थैंक यू वेरी मच, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।